हेलो दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप सभी सुन रहे हैं कुणाल की हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं गांव की डरावनी कहानी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आइए, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी को। गांव के किनारे पर एक बरगद का पेड़ था। कई तरह की अफवाहें उस पेड़ के बारे में फैली हुई थी। कोई कहता कि वहां एक चुड़ैल रहती है, तो कोई कहता कि वहां कोई रहस्यमयी तांत्रिक आधी रात को तंत्र मंत्र करता है और शैतानों को खुश करता है। एक रात गांव में एक महिला दो जुड़वा बच्चों को जन्म देने के दौरान मर गई। घर के सभी लोग सदमे से ग्रस्त थे। शादी हुए सिर्फ 2 साल हुआ था और इस तरह दो दुधमुंहे बच्चे को छोड़कर वो चली गई। उसके पति का नाम था प्रकाश। प्रकाश की हालत बहुत गंभीर हो गई थी। अपनी पत्नी को इस तरह खो देने के बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। खैर, अब सवाल था उन बच्चों की परवरिश का, तो इसका जिम्मा प्रकाश की भाभी ने लिया, जिनका खुद का भी 4 महीने का बच्चा था। घर के सभी लोग जब हॉस्पिटल से उसकी पत्नी की लाश घर लेके आए, तो सबसे पहले बच्चों को अंतिम बार उसके बदन से लिपटाया गया, फिर उसे सुहागनों की तरह सजाया गया और वो अंतिम यात्रा के लिए ले जाई गई। अपनी पत्नी को अग्नि देने के पश्चात प्रकाश जब घर लौटने लगा, तो उसके चाचा ने उसे राई फेंकते हुए आने को कहा। कारण ये था कि अगर वो लौटना भी चाहेगी तो उसे राई का हर एक बीज चुनकर लौटना होगा। कहा जाता है कि नवविवाहित और प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की रूहों के लौटने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है, और अगर वो वापस लौटी तो अपने वर या बच्चों को अपने साथ ले जाने की भरपूर कोशिश करती है। इसीलिए राई के इन दानों को जितना फेंका जाएगा उनके लिए एक एक बीज चुनकर लौटना उतना मुश्किल हो जाएगा। प्रकाश ने राई के बीज फेंके और लौट आया, लेकिन अपनी पत्नी को खो देने का गम उसे खाए जा रहा था। ऊपर से 2 बिन माँ के बच्चे। उसी रात सपने में उसने अपनी पत्नी को देखा। खूबसूरत दुल्हन की तरह सजी अपनी पत्नी को देखकर वो मंत्रमुग्ध सा रह गया। वो बोली, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। गांव के किनारे पर मरघट के पास जो बरगद का पेड़ है, वहां आइए। ऐसा बोलकर वो गायब हो गई और प्रकाश की नींद खुल गई। पत्नी की याद में पागल सा प्रकाश बिना कुछ सोचे समझे आधी रात को उस बरगद के पेड़ की तरफ चल पड़ा। आज उसने उस बरगद के पेड़ के बारे में फैली सारी अफवाहों को एक किनारे कर अपनी पत्नी से मिलने का फैसला कर लिया था। जैसे ही वो उस पेड़ के करीबी पहुंचा, उसे पायल की छनक सुनाई पड़ी और उसे महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया हो। वो पलटा तो सामने उसकी पत्नी थी। आंखों में काजल, मोगरे की गजरे की खुशबू, लाल बिंदी, सिंदूरी मांग और शादी की लाल साड़ी। एक पल के लिए तो वो भूल ही गया था कि वो मर चुकी है। फिर उसे बाहों में भर के वो फूट फूट कर रोने लगा। प्रकाश की पत्नी ने उसे चुप करवाते हुए कहा, देखो प्रकाश, अब मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं मर कर भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। तुम अगर इन राई के बीजों को पीछे ना फेंकते तो मैं उसी वक्त तुम्हारे पीछे पीछे आ जाती। खैर, अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। मेरे 10 क्रिया के दिन जब तुम मरघट पर मुझे भोग चढ़ाकर लौटोगे तो मुझे पीछे पलटकर हाथ से चलने का इशारा करना, मैं वापस आ जाऊंगी। याद रखना, तुम्हें बहुत से लोग कहेंगे
कि पीछे नहीं पलटना, लेकिन तुम पीछे पलटना तभी मैं वापस आ सकूंगी। अपनी पत्नी के मुंह में फंसा प्रकाश ये भूल चुका था कि एक मुर्दे की आत्मा कितनी घातक हो सकती है। वो तो बस अपनी पत्नी वापस चाहता था, अपने दुधमुंहे बच्चों की माँ वापस चाहता था। खुशी खुशी वापस घर आकर वो सो गया और दस क्रिया के दिन का इंतजार करने लगा। दस क्रिया के दिन कई तरह के पकवान बनाकर एवं सुहाग का सामान लेकर अंधेरा होते ही सारे आदमी मरघट की ओर चल पड़े। उन्हें बुजुर्गों ने सावधान किया था कि भोजन का थाल और सुहाग का सामान रखने के पश्चात लौटते वक्त पीछे न पलटे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन पलटना यानी मौत को बुलावा देना है। मरघट पहुंचते ही उन्हें इत्र की खुशबू आने लगी। जल्दी जल्दी थाल रखकर सारे लोग घर की ओर मुड़ गए, किंतु प्रकाश को अपनी पत्नी नीलम की बात याद आई। वो पीछे पलटा और हाथ से इशारा करके अपनी पत्नी को बुलाने लगा और वो रूह उसके पीछे पीछे चल पड़ी। इसके अंजाम से अनजान प्रकाश खुशी खुशी घर लौट आया। उसके चेहरे और खिलती हंसी देख सबको आश्चर्य हुआ कि आखिर कैसे वो इतना खुश रह सकता है, जबकि उसकी पत्नी की मौत कुछ दिन पहले ही हुई है। लोगों ने सोचा शायद वो इस सदमे से उभरने की कोशिश कर रहा है। अपने कमरे में आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे किसी ने दरवाजा बंद किया। वो समझ गया कि ये उसकी पत्नी ही है, पर अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। उसने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब सी आकृतियां बन रही थी और फिर उसे उसकी पत्नी नजर आई। वो आगे बढ़ी और बोली, प्रकाश मैं लौट आई हूँ हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन मेरे बच्चे कहाँ हैं? अरे बच्चे तो भाभी के कमरे में हैं, उनके पास ही सोए हुए हैं। ये क्या प्रकाश, तुम उन्हें वहाँ क्यों छोड़ आए? अभी के अभी तुम उन्हें यहाँ लेकर आओ, वो अब मेरी और मेरी सखियों की जिम्मेदारी है। सखियों की जिम्मेदारी? कौन सी सखी नीलम? नीलम मुस्कुराई और बोली, मैं अकेली नहीं आई, मेरे साथ मेरी दो सखियां भी आई हैं, वो भी हमारे साथ ही इसी घर में रहेंगी। प्रकाश दुविधा में पड़ गया। तभी उसने देखा कि दो औरतें, एक जिसके हाथ में एक बच्चा है, ये औरत गर्भ अवस्था के सातवें महीने में ही सीढ़ियों से गिरकर गर्भ में पल रहे बच्चे सहित मर गई थी, और दूसरी जो नई नवेली सी सजी एक दुल्हन लग रही है, ये औरत सुहाग रात के दिन पति द्वारा दूध में जहर डालकर मार दी गई थी क्योंकि वो किसी और से प्यार करता था। ये सब जानकर प्रकाश घबरा गया। वे दोनों प्रकाश की तरफ बढ़ी और बोली, हम यहाँ आए हैं शरीर की तलाश में, तुम्हारे घर के किन्हीं दो लोगों के शरीर को हासिल कर हम उसी में रहेंगे, और तुम्हारे एक बच्चे के शरीर में मेरा ये आजन्मा बच्चा रहेगा और एक बच्चा नीलम के साथ रहेगा जिसे वो जल्दी ही मारकर रूह में परिवर्तित कर देगी, और फिर हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे अपनी दुनिया में, लेकिन इन सब के लिए हमें काल रात्रि की अमावस तक का इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक हमें शरीर चाहिए, और अंतिम दिन उन्हीं शरीर की बलि देकर हम तुम्हें साथ ले जाएंगे। प्रकाश इन सारी बातों को सुनकर बुरी तरह घबरा गया। ऐसा कुछ तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी खुद की पत्नी इस तरह के खतरनाक इरादों के साथ लौटेगी। वो बोला, देखो नीलम, मैं बस यही चाहता हूँ कि जिंदगी भर तुम मेरे साथ मेरे पास रहो। तुम अपनी सखियों को यहाँ से जाने को कहो, मैं अपने परिवार पर इतना बड़ा खतरा नहीं आने देना चाहता, और फिर ये दोनों मुझे भी मारने की बात कर रही हैं, तुम इन्हें यहाँ से जाने को कहो। नीलम हंसी और बोली, तुम क्या सोचते हो, तुम जिंदा रहो और मैं बिना शरीर के तुम्हारे साथ रहूं? ये तो नाइंसाफी है प्रकाश, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा
और मैं इसी मकसद से यहाँ आई हूँ। नीलम की बात सुनते ही प्रकाश के पांव तले जमीन ही खिसक गई। वो बिना कुछ सोचे समझे इतनी बड़ी गलती कर बैठा था। अब इस परिवार पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। वो अपने आप में पछताने लगा। नीलम और वे अन्य आत्माएं कमरे में उड़ने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। इतना भयानक नज़ारा उसने आज तक नहीं देखा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और वो कमरे से बाहर निकल आया। अब उसने मन में ठान लिया था कि इन आत्माओं से अपने परिवार को हर हालत में बचाना होगा। पहले तो उसने सोचा ये बात अपने परिवार को बताए, लेकिन अगर उसने सबको ये बात बताया तो सब बुरी तरह से घबरा जाएंगे। ये सोचकर उसने सबको बताने का मन बदल दिया। वो मोहल्ले के उस फकीर के पास जा पहुंचा, जो पहले उस बरगद के पेड़ पर लटकी चुड़ैल से दो नवजात शिशु को बचा चुका था। फकीर उसे देखकर ही समझ गया था कि वो तकलीफ में है। प्रकाश उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी आपबीती सुनाई। फकीर बोला, देखो प्रकाश, ये एक बहुत ही भयानक समस्या है। एक नई नवेली दुल्हन, एक गर्भवती और एक प्रसव के दौरान मरी औरत, इन तीनों ने ही तुम्हारे घर पर कब्जा कर रखा है। इनसे निपटना बहुत ही मुश्किल होगा। अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसका कोई ना कोई तोड़ मैं निकालूंगा जरूर। अभी तुम घर जाओ। प्रकाश जब घर पहुंचा तो उसकी भाभी ने उसे खाना परोसा। जैसे ही पहला निवाला मुंह में लिया, उसकी नजर भाभी पर पड़ी। वो सारे बाल बिखेर कर सफेद सफेद आंखों से उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगी। वो जोर से चिल्लाया और घर के सारे लोग तुरंत दौड़े चले आए। सब ये नज़ारा देखकर घबरा गए। यकीन वो नीलम ही थी जो प्रकाश की भाभी के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। वो जोर जोर से चिल्लाकर अपनी सखियों को पुकारने लगी और अचानक जोर की हवा चली और प्रकाश के बड़े भाई विकास जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन ये क्या, ये कोई साधारण हंसी नहीं बल्कि एक औरत की हंसी थी। फिर अचानक हंसी रुकी और वो बोले, मैं कोमल हूँ, शादी के दिन पति ने मार डाला, अब अपनी सखी नीलम के कारण मुझे वापस पति मिलेगा। इस औरत को यानी प्रकाश की भाभी को मारकर इसके पति को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। फिर एक और गर्जना के साथ प्रकाश की भाभी में से एक और आवाज आई, और मैं हूँ नीलम की सखी राजनी। मेरी गर्भ अवस्था के दौरान अपने बच्चे के साथ ही मौत हो गई थी। अब मैं भी यहीं रहूंगी और एक शरीर को अपने साथ जरूर ले जाऊंगी। नीलम के दोनों बच्चे, नीलम का पति, इस औरत का पति, सबको हम ले जाएंगे और अपना परिवार बनाएंगे। प्रकाश, प्रकाश के बूढ़े माता पिता, चाचा चाची सब घबराकर रोने लगे। और अचानक प्रकाश की भाभी भी बेहोश हो गई और विकास भी जोर जोर से हंसते हुए बेहोश हो गया। अब तो जान पे बन आई थी। प्रकाश और उसके चाचा दोबारा उस फकीर के पास गए। उसने उन्हें पास के हनुमान मंदिर के पुजारी के पास जाने की सलाह दी। वे पुजारी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। पुजारी ने उन्हें कहा कि काल रात्रि की अमावस के एक रात पहले तुम्हें उसी मरघट पर जाकर कील ठोकनी होगी। हर कील के साथ हर आत्मा का आवाहन करना होगा, लेकिन याद रखना, ये काम जितना सुनने में आसान है उतना करने में नहीं। तुम्हें 12 बजे रात में ही ये काम करना होगा। आत्माएं तुम्हें रोकने की भरपूर कोशिश करेंगी, लेकिन अगर उस वक्त तुम डर गए तो समझो तुम्हारा परिवार बर्बाद होने से नहीं बच सकेगा। पुजारी ने अभिमंत्रित कील प्रकाश के हाथ में दी और उसके हाथ में एक रक्षा सूत्र भी दिया। काल रात्रि को सिर्फ 2 दिन बाकी थे
और आत्माओं ने घर में आतंक मचा रखा था। कभी उसकी भाभी पर जख्मों के निशान हो जाते तो कभी उसके बड़े भाई विकास तकलीफ से तड़पते चिल्लाते रहते। कभी बच्चे हवा में झूलते नजर आते, कभी जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती। पुजारी ने देव दूतों को घर की रक्षा के लिए भेजा तो आत्माएं घर के शौचालय में जाकर बैठ गईं, क्योंकि वहां देवदूत नहीं आएंगे। पर इन देवदूतों की वजह से प्रकाश के बड़े भाई और भाभी के शरीर से आत्माओं को निकलना पड़ा और प्रकाश तुरंत ही डॉक्टर को ले आया, उनका इलाज करवाया और उन्हें रक्षा सूत्र बांध दिया ताकि आत्माएं उनके अंदर दोबारा प्रवेश ना कर सके। लेकिन ये रक्षा सूत्र काल रात्रि के दिन काम नहीं करेगा, क्योंकि उस दिन इन आत्माओं की शक्तियां चरम पर होंगी। काल रात्रि के एक रात पहले आधी रात को प्रकाश कील लेकर मरघट पहुंचा। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी का आवाहन किया और जमीन पर कील ठोकने लगा। अचानक उसे अपने गले पर दबाव महसूस होने लगा और उसका दम घुटने लगा। उसने तुरंत रक्षा सूत्र निकाला और अपने गले में बांध लिया। जोर जोर से चीखने की आवाज निकली और फिर अचानक शांति छा गई। अब उसने दूसरी कील निकाली और कोमल का आवाहन किया। उसने महसूस किया कि कोई उसके कानों में इतनी जोर जोर से चीख रहा है जैसे उसके कान के पर्दे किसी भी वक्त फट जाएंगे। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया और पूरी ताकत से कील ठोक दी। पसीने से तर उसने अब कांपते हुए तीसरी कील निकाली और राजनी का आवाहन किया, लेकिन राजनी ने उसे कील ठोकने का मौका ही नहीं दिया और प्रकाश को हवा में उछाल दिया। प्रकाश के हाथों से कील गिर गई। वो उस अंधेरे में कील तलाशने लगा, लेकिन इधर राजनी ने उसकी गर्दन पर काट लिया। वो जोर से चीखा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। राजनी उसे घसीटने लगी और इसी दौरान जमीन पर गिरी कील प्रकाश के हाथ लग गई। उसने तुरंत ही पूरी ताकत से पास रखे पत्थर से कील ठोक दी और मरघट में सन्नाटा छा गया। उसकी जान में जान आई और राहत की सांस लेकर वो घर पहुंचा। जब घर पर उसने सभी को स्वस्थ देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अपने भैया को गले लगा के वो रो उठा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि अब दिल छोटा ना करो प्रकाश, अब खतरा टल चुका है, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, जरा अपने नन्हे बच्चे के बारे में तो सोचो। तभी प्रकाश अपने बच्चों की तरफ बढ़ा और उसने एक नन्हे मुन्ने को गोद में लिया और सहलाने लगा। लेकिन बच्चा रोने लगा। फिर उसकी भाभी ने उस बच्चे को गोद में लिया और दूध पिलाने कमरे में ले गई। प्रकाश ने दूसरे बच्चे को गोद में लिया। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। उसने जैसे ही उसे चुपकारा, बच्चे ने आंखें खोली, सफेद आंखें और गालों पर काले निशान। वो बच्चा मुस्कुराने लगा। मैं समझ चुका था कि वो एक और कील ठोकना भूल गया है उस आजन्मे बच्चे के लिए जिसने उसके बच्चे पर कब्जा कर लिया था। जैसलमेर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक गांव बसा हुआ है। इस गांव को जाने वाले सभी रास्ते कभी खोल दिए जाते हैं तो कभी सील कर दिए जाते हैं। रात के समय तो यहां जाना बिल्कुल मना है। शाम होने से पहले ही गांव को जाने वाले सभी रास्ते सील कर दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति भूल से अंदर रह जाता है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं लेता। हम बात कर रहे हैं कुलभाटा गांव की। राजस्थान का ये एक ऐसा गांव है जहां कोई भी नहीं रहता। कहते हैं कि सालों पहले ये गांव एक भरा पूरा गांव था, चारों तरफ खुशहाली ही थी। लेकिन फिर गांव पर एक चुड़ैल का हमला हुआ और उस हमले की वजह से एक ही रात में पूरा गांव
खाली हो गया था। आसपास के गांव वाले बताते हैं कि वो चुड़ैल इसी गांव में रहती है और आज वो पहले से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। कुछ साल पहले इस घटना पर एक फिल्म भी बनी थी जिसको सच्ची कहानी पर आधारित बताया गया था। लेकिन ऐसे बहुत से केस हो चुके हैं कि इस चुड़ैल ने कुछ लोगों की जान भी ली है। कई बार ये चुड़ैल पास के गांव वालों को भी तंग करती है। रात के समय गांव में कुछ अजीब तरह की आवाजें आती रहती हैं। कई बार कोई महिला रोती रहती है तो कई बार तो घरों के टूटकर गिरने की भी आवाज आती है, लेकिन सुबह वहां कोई भी घर टूटा नहीं मिलता है। इस कहानी को कुछ 250 साल पहले की कहानी बताया जाता है। गांव के अंदर अचानक से ही एक चुड़ैल आ गई थी। इस चुड़ैल को अमर रहने के लिए जवान लड़कियों की बलि चाहिए होती थी। तब उस चुड़ैल ने गांव से एक एक कर लड़कियों को खत्म करना शुरू कर दिया था। इस चुड़ैल का नाम कालो है। वो चुड़ैल काफी खतरनाक थी, लेकिन एक दिन गांव वालों ने साहस करते हुए इस चुड़ैल को बाबा की मदद से पकड़ा और उसको जमीन में दफन कर दिया। गांव वालों को लगा था कि परेशानी शायद खत्म हो चुकी है, लेकिन ये मात्र उनका भरम था। कुछ ही दिनों बाद चुड़ैल वापस आई और इस बार वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। गांव वालों को अपनी जान बचाते हुए इस गांव को एक ही रात में खाली करना पड़ा था। गांव में एक सड़क है जहां पर कहते हैं कि 250 सालों से कोई नहीं गुजरता है। कुछ लोग इस रास्ते से जाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो जिंदा नहीं बचे थे। आज ये गांव सुनसान पड़ा हुआ है। आसपास के लोग आए दिन चुड़ैल की हरकतों से वाकिफ रहते हैं। बेशक आप इस कहानी को काल्पनिक मान सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस कहानी पर यकीन ना हो तो आप एक बार पास के गांव में जाकर इसकी प्रामाणिकता को जान सकते हैं। लेकिन एक बात तो सच है कि रात के समय आप इस गांव में रुकने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मैं आपको राजस्थान की एक रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे लोग आज तक बेखबर हैं। हम में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा, पर इस मंदिर के बारे में अलग अलग कहानियाँ बनाई जाती हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद इस मंदिर में कोई नहीं रुकता और इसके आसपास घूम भी नहीं सकता, क्योंकि जो भी इसके अंदर या आसपास शाम ढलने के बाद जाता है तो वो इंसान पत्थर में बदल जाता है। इसमें कितना झूठ या कितनी सच्चाई है ये तो आप लोगों को वहां जाकर ही पता चलेगा। आप लोगों को मैं इस रहस्यमयी जगह के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किराडू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले के हाथमा गांव में स्थित है, जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये मंदिर इतना खूबसूरत बना है कि इस मंदिर को राजस्थान का सबसे खूबसूरत मंदिर कहा जाता है। लेकिन 900 साल पुराना ये मंदिर की तरफ कई लोगों का ध्यान नहीं गया, जिसके कारण ये मंदिर गुमनाम अंधेरों में छुपा हुआ है। ये मंदिर में एक मंदिर शिव जी का है और दूसरा मंदिर विष्णु जी का। इस मंदिर की दीवारों पर कलाकृतियां आपको इतिहास की याद दिला देगी। इस मंदिर के इतिहास के बाद इस मंदिर के रहस्य के बारे में बताती है। वहां के लोगों के अनुसार आज से करीब 900 साल पहले ये किरांडू के परमार वंश का राज हुआ करता था। उस समय एक दिन एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ यहाँ पर रहने को आए थे और यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद उन्होंने सोचा कि थोड़ा और घूमने का निश्चय किया। एक दिन वो अपने शिष्यों को बिना बताए रात को कहीं निकल पड़े।
उनके जाने के कुछ दिन बाद सारे शिष्य बीमार हो गए और उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी, तो गांव वाले लोग उनकी मदद नहीं की। केवल एक कुहारिन ने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। साधु घूमने के बाद उसी जगह पर पहुंचे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कमजोर हालत में देखकर बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने सारे गांव वालों से कहा कि जिस जगह पर इंसान इंसान की मदद नहीं करता, तो उनको जीने का क्या हक है। और तभी उन्होंने पूरे गांव को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। शिष्यों की सेवा करने वाली कुहारिन को इससे अछूत रखा और शाम ढलने से पहले उसे यहाँ से बिना पीछे मुड़े इस गांव से निकलने का बोला। लेकिन उस महिला ने गलती से पीछे देख लिया और वो भी पत्थर की मूरत बन गई। नज़दीक गांव वालों के पास आज भी उस कुहारिन की मूरत है। इसलिए प्राचीन समय में लोग हमेशा साधु महात्माओं को खुश रखते थे। इस श्राप के बाद कोई भी शाम ढलने के बाद उस मंदिर में नहीं जाता। हेलो राहुल, मैं रिया बोल रही हूँ। प्लीज यार, मुझे रेंट पर एक फ्लैट दिलवा दो। मैं शहर में नई आई हूँ। आखिर कब तक होटल में रह पाऊंगी यार? मेरी सारी सैलरी तो होटल के रेंट में ही खत्म हो जाएगी। प्लीज अरेंज करवा दो। रिया, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही इस शहर में नई आई थी, उसकी नई जॉब लगी थी एक MNC में एक अच्छे पोस्ट पर, इसलिए वो इस शहर में ज़्यादा लोगों को नहीं जानती थी। बस ऑफिस के लोगों से ही जान पहचान हो गई थी। उन्हीं में से एक ये राहुल था, जो उसके साथ ही उस कंपनी में जॉब करता था। राहुल ने रिया से कहा, देख रिया, इस शहर में हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, लेकिन रहने के लिए जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा। हाँ, एक फ्लैट तो है मेरी निगाह में, लेकिन वो काफ़ी सुनसान एरिया में है। तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अरे नहीं यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुझे तो पता ही है कि मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा ठीक है, तो तू मुझे शाम को 6 बजे ऑफिस के बाहर मिल, मैं तुझे वहाँ ले चलूँगा। ओके, रिया ने ये कहकर फ़ोन कट कर दिया। शाम के ठीक 6 बजे रिया राहुल के साथ उसकी कार में थी। थोड़ी देर में ही उनकी कार शहर के नए नए बसे एरिया में थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग, लेकिन ज़्यादातर खाली। उन्हीं में से एक बिल्डिंग के सामने राहुल ने कार रोक दी और फिर रिया से बोला, देख रिया, वो फ्लैट इसी बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर है और नंबर है 19। तू ये फ्लैट की चाबी ले और देख ले जाकर, तुझे कोई भी सामान लाना नहीं पड़ेगा। राहुल, तू नहीं आएगा मेरे साथ? नहीं यार, मुझे कुछ काम है। मैं तुझे कल मिलता हूँ ऑफिस में। ठीक है राहुल। और रिया राहुल से फ्लैट की चाबी लेकर कार से उतरकर उस बिल्डिंग की लिफ्ट में दाखिल हो गई। कुछ देर में ही वो 7th फ्लोर के 19 नंबर के फ्लैट के सामने थी। उसने वो चाबी निकालकर उस फ्लैट का लॉक खोलकर अंदर जाने के लिए दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उस दरवाजे को अंदर से पकड़कर खड़ा हो। उसने एक बार फिर से जोर लगाया और इस बार दरवाजा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने अंदर जाकर टटोल कर स्विच बोर्ड ढूंढा और स्विच ऑन करा। कमरे में लाइट जलने पर रिया ने गौर से कमरे पर निगाह मारी। सामने दीवार पर LED TV लगा था और उसके ऊपर एक फोटो फ्रेम लगा था, जिसमें किसी 24 या 25 साल के लड़के की फोटो लगी थी, जिस पर चंदन का हार चढ़ा हुआ था। शायद वो मर चुका था। और उसी दीवार के सामने ठीक बढ़िया सा सोफा सेट था। एक तरफ बंद फ्रिज रखा था और उसी रूम के बगल में
दूसरा रूम था, उसमें डबल बेड पड़ा था, साथ में बाथरूम और दूसरी साइड में किचन। वो चलते चलते थक चुकी थी। वो अपने सैंडल उतार कर निढाल होकर आराम से सोफे पर बैठ गई और वो अभी बैठी ही थी कि उसके बैठते ही सामने दीवार पर लगा टीवी अपने आप ही चालू हो गया। रिया चौंक गई। उसने उठकर देखा तो उसके नीचे टीवी का रिमोट पड़ा हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए एक ठंडी सी सांस ली और फिर उसने रिमोट से टीवी बंद कर दिया, लेकिन उसके बैठते ही वो टीवी फिर से अपने आप ही चालू हो गया। अब उसके घबराहट के मारे माथे पर पसीने आने लगे थे। उसने खड़े होने के लिए जैसे ही नीचे पैर रखे तो वहां से उसके सैंडल गायब थे। वो काफी मजबूत दिल की लड़की थी, जल्दी घबराती नहीं थी, लेकिन आज उसे कुछ घबराहट सी महसूस होने लगी थी। तभी उसका ध्यान अपने कंधे पर गया। वहां पर खून जैसा कुछ लाल लाल लगा हुआ था। उसकी घबराहट और बढ़ गई। फिर उसने हिम्मत करके बाथरूम में जाके वो खून जैसे धब्बे को छुटाने की कोशिश की। बाथरूम में वॉश बेसिन के पास जाके वो धब्बे छुटाने लगी। तभी लाइट अपने आप बंद हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, इतनी तेजी कि उसे अपनी धड़कन खुद सुनाई दे रही थी। उसने अंधेरे में टटोला तो वहीं वॉश बेसिन पर एक लाइटर पड़ा था, जो उसने उठा लिया। और जैसे ही उसने उस लाइटर को जलाया तो वो चौंक कर पीछे हट गई। उसके सामने एक आईना नजर आया। उसे अच्छे से याद था कि जब वो बाथरूम में आई थी तब वो आईना वहां नहीं था। तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वो उसके पीछे खड़ा होकर वो बोल रहा हो, मेरा बेटा मरा नहीं, उसे मारा गया है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चली जाओ यहां से। रिया के डर के मारे हालत खराब हो गई। चीखना चाहते हुए भी वो चीख नहीं पा रही थी, जैसे जबान को लकवा मार गया हो। वो बड़ी तेजी से बाथरूम से निकलकर दूसरे रूम में भागी। और जैसे ही वो रूम में पहुंची तो वो बेड अपने आप बड़े जोर जोर से हिलने लगा। उसका डर के मारे खून सफेद होना शुरू हो गया। वो वहां से भागकर टीवी वाले रूम में आई तो देखा कि सामने बंद पड़ा फ्रिज खुला और चालू था, जबकि उसका तार अलग पड़ा था और फ्लैट में लाइट भी नहीं थी। उसकी डर के मारे हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तभी उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो साफ साफ उस गर्म सांसों को अपनी पीठ पर महसूस कर सकती थी। उसका सारा शरीर सुन्न हो गया था, हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो गए थे और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। बड़ी मुश्किल से सारी ताकत इकट्ठा करके वो पीछे की तरफ मुड़ी और फिर हाथ में पकड़े लाइटर की रोशनी में जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई और फिर वो बेहोश होकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। उसने लाइटर की रोशनी में उसी लड़के को देखा था जिसकी फोटो सामने दीवार पर लगी थी। तभी फ्लैट की लाइट आ गई और फिर साथ ही कुछ लोगों की हंसने की आवाजें भी सुनाई देने लगी। हंसते हंसते उन आवाजों के साथ ये आवाज भी सुनाई दे रही थी, हैप्पी बर्थडे रिया। और फिर 6-7 लड़के लड़कियां, कोई सोफे के पीछे से तो कोई बेड के अंदर से तो कोई कहीं से निकलकर बाहर आने लगे, जिसमें से एक वो लड़का भी था जिसकी फोटो दीवार पर लगी थी। सब जोर जोर से हंसते हुए जमीन पर बेहोश पड़ी रिया को घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक राहुल भी था जो उससे कह रहा था, चल जल्दी उठ, ये बेहोशी का नाटक मत कर, हमें पता है कि तू नौटंकी कर रही है, तूने भी हमें खूब डराया था, आज हम सबने मिलकर तुझसे सारा बदला ले लिया, चल जल्दी खड़ी हो, दूसरे कमरे में केक रखा है,
चल खड़ी होकर कार चल के। उसकी बात सुनकर रिया ने लेटे लेटे ही आंख खोल दी और बोली, तुम सब चलो मैं आती हूँ। वो सब उस रूम में चले गए और साथ में सबसे पीछे पीछे रिया भी उस रूम में चली गई और उस रूम में घुसते ही उसने उस रूम को लॉक कर दिया और थोड़ी देर में ही उस रूम में से उन लड़के लड़कियों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी और इधर इस रूम में रिया की बेजान लाश अब भी फर्श पर पड़ी हुई थी। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी के साथ एक और खौफनाक कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।